मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश के सरकारी गर्ल्स कॉलेजों के लिए शुरू की ये नई व्यवस्था। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब MP न्यूज लाइव में और मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दर्शकों, आज के इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के गर्ल्स कॉलेज के विषय में, जिसमें कमलनाथ सरकार ने बड़े ही निर्देश दिए हैं। क्या पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज मध्य प्रदेश में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे MP न्यूज लाइव को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। आइए, और दर्शकों, यदि वीडियो पसंद आए लाइक करें और इससे अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सकें। आइए बढ़ते हैं अपडेट की ओर, जान लेते हैं पूरे अपडेट को विस्तार से। दोस्तों, सभी गर्ल्स कॉलेजों में खोली जाएंगी महिला पुलिस चौकी। दोस्तों, महिलाओं की सुरक्षा और निगरानी के लिए कन्या महाविद्यालय महिला पुलिस चौकी खोली जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी के निर्देश पर उच्च शिक्षा विभाग ने यह फैसला किया है। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सभी जिला मुख्य पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर राज्य शासन के वचन पत्र में कन्याओं के शैक्षणिक संस्थाओं, महिलाओं की कामकाजी क्षेत्रों को चिन्हित कर वहाँ पुलिस और चौकी की स्थापना और उन क्षेत्रों पर महिला गश्त की व्यवस्था करने की बात कही है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सभी कन्या एवं को एड महाविद्यालय के प्राचार्य को पत्र लिखकर निर्देशित किया गया है कि वे कड़ाई से इसका पालन सुनिश्चित करें। प्राचार्यों को महिलाओं महाविद्यालयों में छात्राओं की समिति गठित करने के निर्देश भी दिए हैं। समिति की बैठक में कार्य छात्राओं के हस्ताक्षर सहित सुरक्षा संबंधी प्रस्ताव प्राप्त किए जाएंगे। इन प्रस्ताव प्राप्त सुझावों के बारे में प्राचार्य स्थानीय पुलिस अधीक्षक से बिंदुवार चर्चा करेंगे। बैठक के आधार पर प्राचार्य स्थानीय स्तर पर सुरक्षा संबंधित पत्र जारी करेंगे। सभी कन्या महाविद्यालयों के कॉमन एरिया में जिसमें निजता भंग ना हो, विशेष तौर पर प्रवेश और निर्गम द्वार पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा प्राचार्य को निर्देशित किया गया है कि पिछले 2 वर्ष में उक्त संस्थाओं में कोई गंभीर घटना यदि घटित हुई हो तो घटना में शामिल लोगों को तथा क्या कार्रवाई की गई थी की जानकारी स्थानीय कलेक्टर और पुलिस प्रशासक को दी जाएगी। कन्या महाविद्यालय और कन्या छात्रावास में काम कर रहे सभी संविदा कर्मियों का 15 दिन में पुलिस सत्यापन करना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। प्राचार्य अपने महाविद्यालय और छात्रावास में पूर्व में की गई सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग को निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराना होगा। क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा समय समय पर महाविद्यालयों के निरीक्षक के दौरान निर्देशों के क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त करेंगे और शासन को प्रतिवेदन भी भेजेंगे।